नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी की इस ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए प्रथम वर्ष का जो प्रश्न पत्र है हिंदी भाषा शिक्षण शास्त्र, और उसके अंतर्गत हमारी इकाई है ई, जो भाषा के आधारभूत कौशल है। उसके अंतर्गत हमारा जो प्रकरण है वो है कविता शिक्षण की चुनौतियां। शिक्षण की चुनौतियां और उनका समाधान। साथियों, ये वर्तमान में हमारे टॉपिक चल रहा है और पद्य शिक्षण को लेकर हमारे सभी हिंदी शिक्षकों में काफी सारी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है, और ऐसी स्थिति में हमें कई सारे प्रश्न हमारे सामने रहते हैं कि हमें आदर्श वाचन कब कराना चाहिए, आदर्श पाठ कब कराना चाहिए, या हिंदी में कठिन शब्दों का अर्थ कब बताना चाहिए। तमाम सारी बातों और समस्याओं का सामना हम करते हैं, और इससे पहले के जो वीडियो आए हैं उन सब में हमने एक एक करके समस्याओं पर हमने चर्चा की और उनका समाधान भी हमने समझा है। तो साथियों, आज एक फिर नई समस्या को लेकर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस प्रकार की समस्या आपके शिक्षण के दौरान आती है तो आप उसे किस प्रकार दूर कर सकते हैं। तो आइए साथियों, हमारे सामने एक नई समस्या आपके सामने लेकर आया हूँ, और इससे पहले हमने 11 समस्याओं पर बात कर चुके हैं। तो ये हमारे सामने निर्माण समस्या है। साथियों, पहली समस्या ये है कि भाव परीक्षात्मक प्रश्न, भाव परीक्षात्मक प्रश्न आदर्श पाठ के पश्चात पूछे जाए, आदर्श पाठ के पश्चात पूछे जाए, या भाव व्याख्या के बाद भी पूछे जाए। एक बार फिर से दोहन कर रहा हूं, साथ ही कर लेते हैं हम लोग कि भाव परीक्षात्मक जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न विद्यार्थियों को कक्षा शिक्षण के दौरान आदर्श पाठ के तुरंत पश्चात पूछे जाए, या भाव व्याख्या करने के पश्चात पूछे जाए। तो इसके अंतर्गत हमारे सामने ये समस्या है, तो अब इसमें हम क्या करना चाहिए। साथियों, कुछ इस बात को लेकर कुछ शिक्षक ये मानते हैं कि कुछ शिक्षाविदों का मानना इस प्रकार है कि भाव प्रकाशन जो भाव के प्रश्न हैं ये आदर्श पाठ के तुरंत बाद पूछे जाए, आदर्श पाठ के तुरंत बाद पूछे जाए कि हमने आदर्श पाठ का वाचन कर लिया है और उसके बाद प्रश्नों को पूछा जाना चाहिए। भाव परीक्षा के प्रश्न भाव परीक्षा पर आधारित। लेकिन साथियों, इसमें मेरा कहना यह है कि यदि आप आदर्श पाठ के पश्चात प्रश्नों को पूछते हैं तो क्या समस्या हमारे सामने उत्पन्न होगी कि बालक उस परीक्षात्मक प्रश्न का उत्तर देने में, प्रत्युत्तर देने में कठिनाई अनुभव करते हैं। और कई बार क्या होता है कि बालक क्या होगा उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य इतना है कि केवल आदर्श पाठ के वाचन से ही यदि बालक कविता का केंद्रीय भाव समझ सकता तो हमें उसकी व्याख्या करवाने के, उसे कठिन शब्दों का अर्थ समझाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि केवल आदर्श पाठ के वाचन से ही
बालक कविता का केंद्रीय भाव कभी नहीं समझ पाएगा। तो मेरा इसमें ये मानना है कि आप आदर्श पाठ का वाचन करिए। आदर्श पाठ का वाचन करने के पश्चात उसके धीरे धीरे उसके कठिन शब्दों को भी बताइए आप। लेकिन कई बार क्या होता है कि हिंदी शिक्षक ये सोच लेते हैं कि हमने ये कविता सरल है और प्रभाव महिला लिखे हुए हैं, इसकी शब्दावली भी सरल है और सहज है, बालक उसको शीघ्रता से अधिगम कर लेंगे। लेकिन क्या होता है, क्या सरल शब्दावली होने के बावजूद भी बालक उसको सही से अधिगम कर लेते हैं? नहीं। क्या बालक इतने सहज से उसका केंद्रीय भाव को समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि बालकों का यदि कविता कठिन है, यदि कविता कठिन है और बालकों का जो शैक्षिक स्तर है वो मतलब सामाजिक स्तर से कम है, मैं कमजोर तो नहीं कहूँगा लेकिन स्तर कम है, तो क्या होगा कि बालक तो उस कविता का जो केंद्रीय भाव है, उसका मुख्य भाव है या भावनात्मक तो सौंदर्य के बालक को भी समझ नहीं पाएगी। तो ऐसी स्थिति में अध्यापक की भूमिका यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण होती है हिंदी शिक्षण के दौरान। तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, कविता चाहे सरल है चाहे वो कठिन है, लेकिन पहले तो वो आदर्श पाठ का वाचन करें। आदर्श पाठ में उच्चारण की जो शुद्धता है उसको भी साथ में करते हुए चले। उसमें जो उच्चारण की शुद्धता को साथ में उच्चारित करते हुए चले, इससे क्या होगा कि बालक कविता के जो मतलब कठिन शब्दों के जो उच्चारण का जो भाग है या उच्चारण संबंधी जो अशुद्धि है उनका संशोधन वहां पर हो जाएगा कविता के आदर्श पाठ के वाचन के दौरान। अब क्या होगा साथियों कि हमने आदर्श पाठ का वाचन तो कर लिया है, अब उसका व्याख्यात्मक भाग आएगा। तो हमें जब भाव व्याख्या करेंगे कि पूरा कविता का जो पद्यांश है हमने उसका एक अंतरा पढ़ लिया है और उस अंतरे की व्याख्या करने जा रहे हैं। उस अंतरे की व्याख्या के दौरान हमें पढ़ना है और अंतरे की व्याख्या को समझाते साथ में उस अंतरे में दिए हुए केंद्रीय भावों को भी बालकों को समझाना होगा। इससे क्या होगा कि बालक ने आदर्श पाठ को तो पढ़ लिया, उसमें केंद्रीय भाव क्या दे रखा है, उसका मुख्य भाव क्या दे रखा है और बालक उसको समझ सकेंगे। फिर क्या होगा कि अध्यापक यहाँ पर किसी भी तरह का प्रश्न परीक्षात्मक प्रश्न करता है बालकों से, बालक उसका जो प्रत्युत्तर है उस पर अपनी प्रतिक्रिया तुरंत देंगे। तो साथियों आपके द्वारा इस समस्या का समाधान हो गया है और मैं सोचता हूं कि आज के लिए इतना ही और फिर हम नई समस्या को लेकर आगे बढ़ेंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया हो। आज के लिए केवल इतना ही और आगे फिर हम आगे होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।